गया। इकबाल कहते हैं, इकबाल यस निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोस, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। कि आपकी निगाह जो सोच बुलंद होगी, आपके आसपास में एनवायरनमेंट पॉजिटिव फ्रेज, लोग अच्छे होंगे, उठना बैठना अच्छा होगा, तो और जो जा पुरसोस होगा, जो अपनी मकसद के लिए कामयाबी के लिए तन मन धन की कुर्बानी दे सकता है, अपने जान माल की वक्त की कुर्बानी दे सकता है, तो फिर उससे ही अल्लाह ताला काम लेगा, इमामत का कारवां का एक ग्रुप का लीडर बनेगा वो। इकबाल पर कहते हैं, सबक पर फिर सदाकत का, शजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे फिर दुनिया की इमामत का। सदाकत जो हम कहते हैं ना घर में कि अननोन कॉल आ जाती है, अबू हमें बार बार बचपन में समझाता है वह झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ हो झूठ, लेकिन खुद जब अननोन कॉल आती है हमें देता है किसको बोलो अबू घर में नहीं, तो आप एक तो बोल ले कि झूठ मत बोलो और उल्टा खुद ही हमसे झूठ बोलो, अरे तो ये क्या काम हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फिर अगर हम एक चीज किसी को बता रहे लेकिन हम उसको खुद नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे, तो वो तो असर नहीं लेगा, वो तो आपसे असर नहीं लेगा। अगर खुद ही करे तो फिर वो खामखा आपसे असर लेगा। अब वो कहते हैं नमाज पढ़ो, खुद ही जाके बैठ पे हाँ फेसबुक लगा, हाँ यूट्यूब हो, ये हो, ये सही, खुद ही नहीं पढ़ता, बच्चों को कहता है, तो बच्चा खा क्या है, वो असर लेगा, तो बच्चा किधर लेता है असर पे। बच्चे को इन्वायरमेंट घर से अच्छी मिलनी चाहिए, ये बात है। तो सबक सदाकत के बाद फिर शजाअत, आप लोग बहादुर दलेर, हर मुकाबला हर चैलेंज पे कदम कदम पर चैलेंज पे आप फेस करें, आप उसे अप्लाई करें दिल से, उसे एक्सेप्ट करके आ जाओ भाई मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होना चाहता, तो कदम कदम पर हम उसे अप्लाई करें एक्सेप्ट करें, तो ये शजाअत हुई। शजाअत में अभी मैं आपको कह सका तो सुल्तान मोहम्मद फातेह की, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि जिसने कस्तनतुनिया, कस्टनटाइन जो आजकल इस्तांबुल हम उसे बोलते हैं, तो उसने जिसने उसको फतह किया तो दुनिया में वो जन्नती हो जाएगा। तो फिर 600 साल मुसलमानों ने मिलिट्री बनाई, आर्मी फोर्स बनाया और गए, फेल हो गए, लेकिन जब कस्टनटाइन की कस्तनतुनिया उसकी मिलिट्री पावर इतनी मजबूत थी कि उसने समंदर के अंदर ही जंजीरें लगा दिए, रास्ता नहीं था, तो फिर सुल्तान मोहम्मद फतेह क्या करते हो, उनमें इतनी शजाहत बहादुर दलेरी थी ना कि वो सहरा डेजर्ट इलाके में उसने 400 किश्तियां खींच कर वो कस्तनटाइन गए, कस्तनतुनिया, फिर उसको फतेह भी किया। आज भी इस्तांबुल में उसका मकबरा है, ब्लू मोस के साथ उसका मकबरा है, उस पर लिखा है जन्नत सरदार, मतलब जन्नत का सरदार। तो ठीक है, उसको जन्नत दुनिया में ही जन्नत मिल गए। अभी तारिक बिन जियाद है कि वो जाते हैं अपनी गिश्तियां लेकर स्पेन जाते हैं और वहां से वापस आने पे गिश्तियां अपनी जला देते हैं, हुक्म करते हैं कि गिश्तियों को जला दो। पीछे से एक सहाबी आवाज देता है कि तारिक तुमने तो गिश्तियां जला दी, अब हम वापस कैसे जाए, वो कहते हैं वापस नहीं जाएंगे। फिर अगर तारिक बिन जियाद अपनी शजाअत ना दिखाता तो क्या मुसलमानों की स्पेन पर 800 साल हुकूमत आती, नहीं ना। अगर सुल्तान मोहम्मद फातेह शजाअत ना दिखाता तो क्या कस्टनटाइन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस वो पूरा हो जाता, नहीं ना। तो शजाअत जरूरी है। और फिर अदालत, इंसाफ, हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए, मतलब हमें इंसाफ हो बिल्कुल सबके लिए पॉजिटिव, एक ही जैसे इक्वल। थैंक यू सो मच। अदालत, गिव इट टू मी, आई विल गिव इट टू यू, ये ट्रॉफी देखें और सही सही बताए किसके मुंह में पानी आया। नहीं नहीं, रियली की बात है, किसके मुंह में पानी, आपके, सही है। फिर बाद में क्वेश्चन करूंगा, फिर जवाब देना, मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा इसलिए गौर से सुनिएगा, मैं किसी से क्वेश्चन करूंगा। ओके, तो फिर अल्लाह ताला तुमसे दुनिया की इमामत का, लीडरशिप का काम लेगा, अल्लाह ताला फिर तुम्हें दुनिया का लीडर बनाएगा। और ये कुछ चीजें हैं लीडर बनने के लिए, आप लोग बन सकते हैं जब आप अपने आप में अंदर में ये चीजें लाएं। तो इकबाल कहते हैं, तू राज़े कौन फे कहाँ है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुद ही का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। जब तुम राज हो इस पूरे निज़ाम के, तुम राज हो। अल्लाह ताला ने जब कहा कि कौन फे कौन, पूरी दुनिया बन गई, सही है, जब अल्लाह ताला ने कहा कौन फे कौन तो पूरी दुनिया बन गई। तो इसी के साथ ही इकबाल कहते हैं, तुम राज हो इस पूरी दुनिया की निजाम के बदलने में, और अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप को पहचानो, अंदर का जो टैलेंट है उस सलाहियत है उसको बाहर निकालो, जो अंदर जो सलाहियत है उसे बाहर निकालो, लोगों को देखा, और फिर अल्लाह ताला के खुदी के खुदा जो है अल्लाह ताला उसके तर्जुमा बन जाओ, जैसे इकबाल थे, फिर तुम जो मुंह से निकालोगे अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा।
जो भी तुम मुंह से लफ्ज कहोगे अल्लाह ताला तुम उसे पूरा कर, तुम थूकोगे फेंकोगे लोग उसे जमीन तक नहीं छोड़ेंगे, लोग उसे उठाकर हाथ पे सर पे लगाएंगे, फिर अल्लाह ताला आपसे लेगा दुनिया की इमामत का काम, दुनिया के लीडर होंगे। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। Yes. आपको ये introduce yourself to him and my name is Zuna Javed and I'm studying here. This is my previous year. Yes. I'm doing masters here. Okay. मेरा question ये है, मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं करूँगा। Yeah, 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 please. मेरा ये question है कि आपको motivational speaking के लिए किसने motivate किया? इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो मेरी inspiration है। वो आपकी inspiration है? Yes. उनके जो फलसफे खुदी है उसमें ऐसा मजा होता है कि उससे हमें मजा भी मिलता है, हम अपनी हिस्ट्री जो होती है उससे भी खबर होता है और वो हमें सबक भी सिखाता है। इकबाल के कलाम में कभी चेंज नहीं आएगा, ये सुने, इकबाल का जो कलाम है वो कभी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इकबाल हदीसों कुरान से बाहर गया ही नहीं है। वो हर कुरान हदीस और कुरान मजीद के जो आयात उसने अपने शेर में, अपने शेर व शायरी में बदल कर उसने हमें दिए। तो हजारों सालों तक जब भी कयामत तक कुरान मजीद में तो और हदीस में चेंजेस नहीं आएंगी, तो जाहिरी बात इकबाल के कलाम में भी चेंजेस नहीं आ सकती। इकबाल का कलाम जो है उसमें आपकी तो खुद ही है वो स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन इकबाल के कलाम में ऐसी ताकत है ना कि एक अंग्रेज इकबाल के बारे में बोलता है, ही वॉज द मैन ऑफ हिज एज, ही वॉज द मैन अबव हिज एज एंड ही वॉज द मैन एट फॉर ऑफ हिज एज। वो अपने दौर का आदमी था, जो उसने जो कर रहा था अपने दौर में कर चुके थे, वो अपने दौर से आने वाले दौर के आदमी थे, वो अपने दौर के जंगे हालत में थे। एक अंग्रेज कहता है कि अगर आज इकबाल जिंदा होता ना तो पूरी दुनिया उसके हाथ में होता, पूरी दुनिया उसके हाथ में होती। इकबाल के कलाम को जो भी स्टडी करे ना नामुमकिन है कि वो कामयाब ना हो सके, नामुमकिन है। हम मुसलमान है, इकबाल ने कलाम हमारे लिए छोड़ा है, नौजवानों के लिए, अफराद के लिए। इकबाल बोलता है अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इकबाल की कलाम बच्चों या बूढ़ों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। देखिए इकबाल ने कलाम हमारे लिए छोड़ा, सही है, उसने सारा कलाम हमें दिया, हमारे लिए छोड़ा, लेकिन कामयाब उस पर ईरान हुआ। ईरान ने 1983 का आए थे, उसने इकबाल का कलाम उठाया, उस पर काम किया, तो दो तीन सालों में उसने जब इकबाल के कलाम पे खुद ही पर उस पर फुल काम किया, वो कामयाब हो गए। आज देखो वो कितने, वो डाउन थे, वो जंग एक वॉर जोन था वहां पे, ईरान पे लोग झगड़ते थे, अभी वो कम हो गया है। इकबाल का फलसफा जो आ गया वो कामयाब भी हो गए, एजुकेशन सिस्टम भी वो भी जबरदस्त हो गया। तो देखिए इकबाल के कलाम में नामुमकिन है क्या।